मेरा भैया निर्दोष है, छोटा छोटा बच्चा है, अभी मेरा भैया के नहीं निकाला है। कल से बोल रहे छोड़ दूंगा। अभी बहुत बुरी तरीका उन सब ने मिलके थाने में मारा है, बाकी छोड़ नहीं रहे। मुजरिम पकड़ाने के बाद भी बेकसूर को नहीं छोड़ रहे। बच्चा सब डर से खाना नहीं खा रहा, 18 तारीख को एक बार बच्चा को लेके गया, इतना मार मारा बैल से तलबे पर, तो बच्चा चल नहीं पा रहा, नहीं खा पा रहा है। बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, 12 साल 13 साल बच्चों को मारेंगे। पूत कपूत तो हम सब ने सुने होंगे, परंतु माता कुमाता हमने कभी नहीं सुनी। परंतु आज राजधानी दिल्ली से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने इस अवधारणा को भी गलत साबित कर दिया। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के दरियागंज थाना क्षेत्र में मौजूद है, जहाँ से एक दिल को दहलाकर रख देने वाली वारदात सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि एक 8 साल की लड़की की हत्या उसकी ही माँ और माँ के आशिक द्वारा कर दी जाती है। यही नहीं, हत्या करने के बाद शव को जंगलों में दफना दिया जाता है और पुलिस को गुमराह करने के लिए मिसिंग की कंप्लेंट भी करवा दी जाती है। इस पूरी वारदात के बाद जितने भी बस्ती के लोग हैं, झुग्गियों के लोग हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गुस्से का माहौल बना हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि आखिर एक महिला ऐसे कैसे कर सकती है। कुछ झुग्गियों वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, आज मेरी नाम है। क्या नाम है आपका? अजमेरी। आपको पता है पूरी वारदात क्या हुई थी? जी पता तो नहीं है, बाकी मेरा भैया निर्दोष है, छोटा छोटा बच्चा है, अभी मेरा भैया के नहीं निकाला है। आप क्या लगती है उस बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई? मैं कोई नहीं लगता हूँ बच्चा के। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं कहाँ झुग्गी में उधर रहता हूँ, 5 बजे सुबह 7 बजे काम पर जाता हूँ, 5 बजे आता हूँ, तो 5 बजे अपन खाना उना बनाते उनाते बच्चा के हेल्प करते उड़ते अपना घर में गुजरता हूँ। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ आप नहीं जानते सर। अच्छा, बाकी मेरा भैया लिया के बिना कसूर का कोई कसूर नहीं है किसी का। हमारा भी 2 भाई है। कल से बोल रहे छोड़ दूंगा। अभी बहुत बुरी तरीका उन सब ने मिलके थाने में मारा है, बाकी छोड़ नहीं रहे। मुजरिम पकड़ाने के बाद भी बेकसूर को नहीं छोड़ रहे। अच्छा, मतलब मुजरिम पकड़ा जा चुका है, उसके बाद भी झुग्गी वालों को थाने में टॉर्चर किया जा रहा है, उसके बाद भी मार रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, और छोड़ने के बाद फिर दोबारा उठा के ले जा रहे हैं। और मैं अभी हम लोग बोले हैं थाने में जाके, बोला अभी आधा घंटे में छोड़ देंगे, पूरी रात हो गई, अभी गए हैं देखने, तो दोनों भाई को हमारे मारने मिलके थाने में बुरी तरीका, और बच्चों को, लड़का को, सबको, 12 साल सब बच्चों को उठा के ले जा रहा है, 2 बार बच्चों को ले जा रहा है। यहाँ आके बोलते हम कुछ नहीं करेंगे, हम मारते हैं, जबरदस्ती करवाते, तुम बोल दो किसका नाम है, जब हम नहीं देखे कैसे बता सकते किसी का नाम। जब जो आरोपी है वो पकड़े जा चुके हैं, उसके बाद भी क्या औरों को टॉर्चर कर रही है? जब उसकी माँ खुद कह रही है मेरा आशिक मैं कर रही हूँ, तो फिर दूसरे को क्यों बेकसूर को मार रहे? 2 बार मेरे बेटे को लेके गया है, कह रहा है कि कुछ नहीं करूंगा, 2 बार रिमांड पे चढ़ाया मेरे बेटे को बिना कसूर का, 12 साल 13 साल के बच्चे को आदमी को लेके जा रहे, जिससे हमारा कोई लेना ना देना ना कोई मतलब, क्यों हम उनके बारे क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे बताइए। हमारा आस्था ना उस्ता ना कोई मतलब, तो हम लोगों को क्या पता क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोगों को तो सुबह पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हो गया, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं कि बच्ची उठ गई बच्ची मर गई, हम लोगों को कोई पता नहीं है। बात इतना ही है, बिना कसूर का पूरे झुग्गी वाले को, लड़के को, आदमी को क्यों मारा जा रहा है? हम लोग ये चाहते हैं जब बेगुनाह मिल गया तो शरीफ जो आदमी है जो नहीं मारपीट किया तो क्यों उसको मार रहे? इनको मार रहे, सब डरा हुआ है, बच्चा डरा हुआ है, बच्चा सब डर से खाना नहीं खा रहा, 18 तारीख को एक बार बच्चा को लेके गया, इतना मार मारा बैल से तलबे पर, तो बच्चा चल नहीं पा रहा, नहीं खा पा रहा है, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, 12 साल 13 साल बच्चों को मारेंगे। हम लोग चाहते हैं इंसाफ मिल गया है, हम लोगों को बच्चों को इंसाफ मिल जाए, हम लोगों का आदमी को, हम लोगों का आदमी ना बच्चा कोई नहीं जो काम किया है, उनको जबरदस्ती कैसे कह देंगे कर जो दे? आरोपी पकड़ा गया है बच्चे की हत्या में, क्या वो भी इसी झुग्गी का रहने वाले? हाँ, उसकी माँ खुद कह रही हमने करवाया काम, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे बताइए ना? हम लोगों को कोई मतलब है उन लोगों से? जो नहीं किया उनको रख के जेल में रख के मार रहे, क्या फायदा किसी को मारने से? हम लोगों का 5 यहीं की रहने वाले हैं। अच्छा, बेकसूर सबको मारे जा रहे हैं, बताइए हम लोग। अच्छा, किसी को क्या कोई शक था पहले से कि इस प्रकार से हत्या की? नहीं, हम लोग उसको जानते नहीं थे, जानते नहीं थे भैया हम लोग आज तक।
अच्छा, अब बेकसूर को सबको उठा उठा कर ले जाके कह रहे फुसला फुसला करेंगे कि बेटा को भाई बहन किसी को नहीं मारेंगे, और ले जाके खूब तरत्ती पे सबको मारा, सब जुगी वाले को उठा उठा कर ले गया, डर के मारे बच्चे सबको आधार कार्ड सब कुछ ले गया, मोबाइल नंबर सब कुछ सबका जमा करा लिया, और बच्चे सबको डर से बुखार चढ़ गया हुआ है, सब बच्चा को मार बेकसूर के। वो औरतें ऐसी थी, वो औरतें ऐसी थी कि किसी के शक नहीं होने दे रही। अच्छा, हाँ वो औरत ऐसे नहीं नहाती थी, नहीं सुनाती थी, ऐसे बैठ के टुकुर टुकुर सबको देखती, तो कैसे कोई आदमी शक करता है। शक उस पर होते जो आदमी फेंशन में रहते 24 घंटा, उसमें आदमी वो बिल्कुल जहाँ पर बैठती वहीं पर मुँह देती थी, जहाँ बैठती वहाँ वही ताकती थी, इसलिए हम लोग को कभी शक करे नहीं कि कौन इसके पास आता है कौन इसके पास जाता है। कितने बच्चे थे उनके कुछ पता है? उसके 4 बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की थी। तो हम लोग सो हमारे भी बच्चे पोता पोती है, हम लोग सुबह 7 बजे निकलते हैं, शाम को 5 बजे काम पर से आए, तो अपने बच्चे में रोटी खिलाएंगे या दूसरे के हम देखेंगे। अब सुबह में वो औरत बोली कि हमारे बच्चे गायब है, बच्चे गायब है, एक तो हम लोग बोले किस टाइम गायब है, तो बोला कि इसे हमारे बच्चे 1 बजे रात के कम्बल ओढ़ाए हैं, से मेरा आदमी दारू पी के सोता हुआ था, हमारे बच्चे गायब है, यही हम लोग सुने। उसके बाद हम लोग पूरे बच्चे सब जंगल जंगल, हमारे लड़के पानी बरस रहे थे डंटा ले लेके, पूरे जंगल में हमारे बच्चे साहब सुबह तक दौड़ा, 7 बजे तक, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर भी औरत सबको मुँह देख रही है, कुछ बता नहीं रही है। ऐसी महिला जो अपने ही बच्ची की इस प्रकार से हत्या कर देती है, उसके लिए किस सजा की मांग करेंगे आप? उसको तो आप समझो तो खत्म कर दो उसको, कि इसलिए कि नाम को उसने खराब कर दिया, ऐसी माँ है वो माँ बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से किसी का मांग किसी का कोख उजर रहा है, उसकी वजह से पूरा कॉलोनी का लड़का पूरे कॉलोनी का आदमी बेबस पड़ा हुआ है, और उसी की वजह से 2-3 आदमी अभी भी बंद पड़ा हुआ बेकसूर जो है, उनको छोड़ दिया जाए, और हमारे बच्चों को हमारे आदमियों को अब कोई ऐसी बात ना करे, क्योंकि वो लोग बेकसूर है, बेकसूर है, 5 बजे लेके गए थे परसों, तो कल शाम को 6:30 बजे छोड़ा गया, सबको मारा गया है, एक बार नहीं 2-2 बार लेके गया, फिर ऐसा ही कांड करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग रोज कमाने खाने वाले, हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो कसूर किया उसको पकड़ ले, बेकसूर को क्यों मार रहे हैं, सजा दीजिए, कड़ी सजा, उसकी माँ को जो सजा देना, अगर हम लोगों के भरोसे छोड़ दे तो हम लोग खुद ही उसको मार देंगे, क्योंकि वो एक माँ के नाते विश्वास हटा दे, क्योंकि माँ ही ऐसी चीज है कि दुनिया में सब कुछ कर सकती है लेकिन अपने औलाद के साथ गलत नहीं कर सकती। जब तक उनका पापा नहीं, लड़की का पापा नहीं कहेंगे किसी को छोड़ने के लिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, अगर उनका पापा गवाही दे देंगे कि सब बेकसूर है सबको छोड़ दो तो छोड़ देंगे। अभी कम से कम 8-9 लड़के अभी फंसे हुए हैं, उसको बुरी तरीके रात से ही मार रहे हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, और हम कह रहे हैं छोड़ने के लिए, तो बोलता है उनका पापा को बोलो अगर वो गवाही दे देंगे तो हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे, उनका पापा गवाही नहीं दे रहे, पता नहीं क्या। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर जो अभी निकल कर आई है, झुग्गी वालों ने जिस प्रकार से बताया कि एक औरत जो अपने ही बच्ची का इस प्रकार से कत्ल कर दे, महज 8 साल की वो छोटी सी बच्ची थी जिसकी हत्या कर दी गई, और ऐसे में झुग्गी वालों को भी यहाँ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेके गई, बताया जा रहा है कि सख्ती भी की गई, और जिसमें कुछ झुग्गी वाले लोग जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और अभी भी आरोपियों के पकड़े के जाने के बाद भी कुछ लोगों को थाने में बिठाकर रखा हुआ है, उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो ऐसे में हमारी दिल्ली पुलिस से यही मांग है कि जो भी आरोपी इस पूरी वारदात में शामिल है उनको आपने पकड़ लिया है, अगर कोई और आरोपी भी है तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए, और जो भी बेगुनाह लोग हैं जो इस पूरी वारदात में शामिल नहीं है उनको खामखा ना परेशान किया जाए ना ही टॉर्चर किया जाए। और आए दिन इस प्रकार से ऐसी वारदातों का सामने आना राजधानी दिल्ली से अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, परंतु जो ये वारदात है ये अपने आप में ही बिल्कुल अलग है कि किस प्रकार से एक औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी महज 8 साल की छोटी सी बच्ची की इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद शव को दफना तक दिया। ऐसी महिला के लिए भी हम कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं जिसने माँ जैसे पवित्र शब्द पर भी एक लांछन लगाकर रख दिया है। कैमरा पर्सन रूपाली के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।